आगरा से एक बड़ी खबर आपको इस वक्त दे दें। खेलते खेलते 3 साल का मासूम 130 फीट गहरे बोरवेल में गिरा है। पाइप निकालने के बाद भी बोरवेल को नहीं किया गया था बंद। खराब पड़े घरेलू बोरवेल में खेलते समय यह हादसा हुआ। घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है बच्चों को निकालने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त चला जा रहा है। थाना निबोहरा इलाके के धरियाई गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। दो तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं। शोभित इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ और अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए श्रीपाल, ये छोटे लाल का जो घर है, जो जो क्षेत्र है पूरा, उसी के बाहर ये बोरवेल था। ये बोरवेल खराब था, उसको रिपेयर करने के लिए पाइप डाले गए थे बड़े बड़े। 130 फीट से गहरा ये बोरवेल है। पाइप तो निकाल लिए गए पर इन गड्ढों को बंद नहीं किया गया, जो एक बड़ी लापरवाही थी। बच्चे सुबह सुबह खेल रहे थे, खेलते खेलते 3 साल का मासूम है, शिवा बेटा है इन्हीं का, वो इसमें गिर पड़ा। बच्चों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, उसके बाद से हड़कंप मच गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। लगातार कोशिश हो रही है कि बच्चे की प्रतिक्रिया आए, लेकिन अभी तक बच्चे का अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा है। बहुत गहरा बोरवेल है, बच्चा बहुत छोटा है, ऑक्सीजन अंदर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल शोभित, अभी बच्चे को निकालने के लिए किस तरीके की कोशिशें फिलहाल चल रही है यहाँ पर? क्योंकि हम तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं, काफी सारे ग्रामीण यहाँ पर जरूर इकट्ठा है, लेकिन कोशिश कितनी सफल होती नजर आएगी? अभी क्या कोशिश चल रही ताकि बच्चे को जल्दी बाहर निकाला जा सके? देखिए प्रयास जारी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा गहरा है, मतलब 130 फीट से ज्यादा गहरा ये गड्ढा है। और जरा सी भी लापरवाही, यानी कि अगर गलत खुदाई करते हैं तो अगर वो मिट्टी बच्चे पर कहीं ना गिर पड़े, ये भी देखना पड़ेगा। यानी कि एक बड़ा हादसा हुआ है, 130 फीट के गहरे गड्ढे में बच्चा फंस गया है, अब उसको निकालने का प्रयास जारी है। जी शुक्रिया आपका शोभित जानकारी देने के लिए।